नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। अर्थव्यवस्था पिछड़ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, जरूरत का हर सामान दुगनी कीमत पर भी मिल रहा है, खाने पीने से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कर्ज के बोझ में दबे पाकिस्तान के लिए हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। नवंबर 2013 के बाद से पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा 9.14% पर पहुंच गई है। फरवरी तक ये आंकड़ा 8.21% था। पाकिस्तान अपनी माली हालात सुधारने के लिए लगातार कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से एक बार फिर कर्ज की मांग की है। 1980 से पाकिस्तान IMF से कर्ज ले चुका है, लेकिन कर्ज मिलने तक हालात में सुधार लाना मुमकिन नहीं लग रहा है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का मानना है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं। गरीबी रेखा में रहने वालों की संख्या में 40 लाख का और इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं 10 लाख लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का चालू खाता घाटा पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ रहा है। $1 का भाव 148 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पाकिस्तान के पास इसे रोकने के लिए कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने IMF से 13वीं बेलआउट पैकेज की मांग की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से चरमराने की आशंका है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का मानना है महंगाई के कारण लोगों को जरूरी चीजें खरीदने में मुश्किल आ जाएगी। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के संकेत दिए हैं। खाने पीने से लेकर पेट्रोल तक के दामों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। इन दिनों पाकिस्तान में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के संकेत मिले हैं। हरी सब्जी से लेकर बाकी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 6 रुपए महंगा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल 98.88 रुपए में बिक रहा है। हाल ही में जारी हुई UN के रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान की ग्रोथ बाकी देशों से पीछे रह जाएगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बांग्लादेश से भी बदतर है। पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ से भी कम है। इनमें से 7 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा से भी नीचे जीने को मजबूर है। हर 10 में से 4 पाकिस्तानियों के पास खाने को दाना नहीं है। जल्दी पाकिस्तान ने बड़े कदम नहीं उठाए तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान दाने दाने को लाचार हो जाएगा। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।